अप्रैल को एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें आने वाले मौसम को लेकर बड़ी चेतावनी दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनडी न्यूज, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रायद्वीपीय और तटीय भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्ष 2060 तक हीट वेव की अवधि में 12 से 18 दिनों की वृद्धि होगी। साथ ही आईएमडी ने इससे निपटने का तरीका भी सुझाया है जिससे सांस्कृतिक, संस्थागत, तकनीकी और पारिस्थितिक तंत्र आधारित अनुकूलन रणनीतियां शामिल हैं। भारत में गर्मी और शीतलहर की प्रक्रिया और भविष्यवाणी शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में वेंटिलेशन और इंसुलेशन के माध्यम से भारत की इमारतों में सुधार, गर्मी के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, वर्क शेड्यूल में बदलाव, पूर्व चेतावनी प्रदान करना और ठंडे आश्रयों का निर्माण जैसे कई सिफारिशों को शामिल किया गया है। हीट वेव से भारत में होती है अधिक मौतें। आपको बताते चले, आईएमडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अपवाद के साथ अन्य प्राकृतिक खतरों की तुलना में हीट वेव से भारत में सबसे अधिक मौतें होती हैं। हीट वेव, क्लाइमेटोलॉजी और घटना को समझने के लिए आईएमडी दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। 2020 के बीच में डेटा का इस्तेमाल किया है। बताते चले, जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और सामान्य से 45 डिग्री आपको बताते चले जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक होता है तब हीट वेव शुरू होता है। भारत के किसी भी राज्यों में अगर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और सामान्य से 6.5 डिग्री अधिक होता है तो यह भीषण गर्मी की लहर में मापा जाता है। आईएमडी इन्हीं तापमान के हिसाब से हीट वेव और भीषण गर्मी को घोषित करती है। आमतौर पर हीट वेव की स्थिति मध्य और उत्तर पश्चिम भारत हीट वेव जोन और आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में मार्च से जून की अवधि में बनती है। इस क्षेत्र में गर्मी की लहरों को फ्रीक्वेंसी उत्तरी भारत की तुलना में थोड़ी कम होती है। आपको बता दें, इस समय हीट वेव कितना ज्यादा हो रहा है। 30 सालों में हीट वेव की अवधि में हुई वृद्धि देश के उत्तरी भागों और तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में औसतन 2 से अधिक हीट वेव घटनाएं होती हैं। कुछ इलाकों में एक मौसम में हीट वेव की फ्रीक्वेंसी 4 से भी अधिक हो जाती है। अधिकांश आईएमडी स्टेशन हीट वेव पीरियड्स के संदर्भ में 60 साल की अवधि के दौरान फ्रीक्वेंसी और गंभीरता के परिप्रेक्ष्य में हीट वेव घटनाओं के बढ़ते रुझान दिखाते हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।